हेलो नमस्कार, ब्रह्मचर्य में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। और अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है तीसरे दौर की भी, उसमें क्या कहना है DPI का, कब से प्रारंभ की जाएगी और शॉर्ट टर्म वालों का क्या होगा, लॉन्ग टर्म वालों का क्या होगा, और अतिथि शिक्षकों को जो समस्या आ रही है उसको लेकर भी DPI ने इसका समर्थन किया है और जल्दी समाधान करने की बात की गई है। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी ने DPI में पहुंचकर अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को रखा, तो DPI आयुक्त का क्या कहना, वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। उनके बाद मैंने स्कूल गैप करके, स्कूल में गया नहीं क्योंकि मेरे गले के कजाज होना था, पहले एम्स के बाद DPI और वल्लभ भवन। आज बहुत दिन ने चक्कर काटा है, जो हमारी 11 तारीख को बैठक हुई, जितनी मुद्दों पे बात हुई थी, महापंचायत जो भी चीजें हैं, आज सभी बातों को लेकर के मैंने प्रमुख सचिव से काफी बहस की और इसके आयुक्त मैडम से। आयुक्त तो बिल्कुल वैसे भी हमारे जब से आई है वो शायद उसको पहके भेजा गया है या जो भी है, बिल्कुल भी हमारे पक्ष में नहीं है। इसके पहले भी जो भी आयुक्त बने हमारे हमारे DPI से, अभी भी उन्होंने हम लोगों को भला नहीं चाहा, अभी भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जिसके द्वारा हम लोगों को थोड़ी सी भी राहत मिली। वर्तमान में जरूर थोड़ी सी है, जो ऑनलाइन भर्ती हुई है उसके माध्यम से थोड़ी बहुत राहत मिली है कि जो भयवदीयवाद था वो खत्म हुआ है लोगों को, लेकिन फिर भी उसमें भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पिछले वर्ष भी ऐसे बहुत सारे प्रकरण थे जिनको लेकर के लगातार हमने शिकायतें की थी और वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बाद में गर्मियों में जब शिकायत को लगातार मैं पीछे लगा रह गया तो 150 प्रकरणों पर ऐसा हुआ था कि 150 शिक्षकों के ID को ब्लॉक कर दिया गया था और उन्हें तो चॉइस फिलिंग में भी रोक दिया गया था, लेकिन बाद में जब हमने आग्रह किया उसके बाद उस पर उन्हें चॉइस फिलिंग में मौका दे दिया गया था, वो चॉइस फिलिंग कर पाए, लेकिन जो पूर्व स्कूल थी उनकी उसमें उन्हें मौका नहीं मिला। तो आज सर्वप्रथम जितने लोगों मैंने शिकायतें की थी, ऐसे प्रिंसिपल खासतौर पर जो सिंगरौली वाला मामला था अपना, जो सिंगरौली में प्रिंसिपल पैसा लेता हुआ जो वीडियो कैप्चर हुआ था उस पर यह मालूम पड़ा है कि जो DO ने यहाँ पे पत्र भेजा है, क्योंकि आयुक्त ने उस पर संज्ञान लिया था मेरे वीडियो दिखाने के बाद, आयुक्त मैडम ने जानकारी मंगवाई थी और उस पत्र पर कि जो DO ने भेजा था कि वो जो प्रकरण था उसमें जो पैसा लिया गया था वो उनसे उधार लिया गया था, ये DO ने प्रकरण भेजा है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है आज जो मैंने वीडियो द्वारा उनको दिखाया, बार बार प्ले किया गया और इस पर ये स्पष्ट हुआ है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो बिल्कुल फैक्ट है और उस पर अब DPI अपने स्तर से जांच करवाएगी। जो DO ने लिख के भेज दिया है कि वो आप लोगों को बताया कि ये कहा दिया DO ने कि या प्रचार ने कि वो पैसा जो दिया गया था जो वहां का अतिथि शिक्षक था उसके ऊपर दबाव बना करके कहा गया कि हमसे उन्होंने उधार मांगा था, मैंने उनसे और वही पैसे मैंने वापस किए। एक चीज और जरूर ध्यान रखें आप लोग कि अभी जितनी भी शिकायत थी उन सभी शिकायतों को लेकर आज हमने पूरी लिस्ट बना के दी गई है, चाहे वो प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल जिन्होंने गलती से शॉर्ट टर्म से पदों को लॉन्ग टर्म में डाल दिया था, मतलब लॉन्ग टर्म के पदों को शॉर्ट टर्म में डाल दिया गया था, या किसी का नाम पैनल में ऐड नहीं किया गया था, किसी को जानबूझ के स्कूल से रिलीव कर दिया गया है जो प्रकरण मेरे पास आए थे, या जिनकी कार्यशाला कहीं और थी अन्य दिखना शुरू हो गई है, और जो भी समस्याएं हुई थी जैसे कि कई लोगों की समस्याएं ऐसी थी कि रियल रूम का 30% नहीं था, प्रिंसिपल ने उनका 30% लिख करके रिजेक्ट कर दिया, या जिनके मोबाइल नंबर बदलने के बाद भी दो अंक नंबर चल रहे थे, उन सभी प्रकरणों पर आज गंभीरता से चर्चा की गई है। संकुल द्वारा जो पैनल तैयार किया गया था उसमें मेरिट में नाम नहीं जोड़ा गया था, या उनके स्कोर कार्ड में जो स्कोर कार्ड मेरिट में नाम नहीं जोड़ा गया था, या उसका सत्यापन नहीं कराया गया था, ऐसे जितने भी प्रिंसिपल हैं सबकी जानकारी DPI जल्दी मंगवाएगी। और मैंने भी जितनी जानकारियां दी थी लगभग सभी DO को फोन करके ये कह दिया गया है कि सभी प्रकरणों पर तत्काल जांच करवा करके DPI को उसकी प्रतिवेदन भेजें, जिससे जो भी प्रिंसिपलों ने जिन प्रिंसिपलों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं कि या तो आपके नाम नहीं जोड़े गए, या आप लोगों को जानबूझकर स्कूलों में रखा नहीं गया या फीडिंग नहीं करवाई गई, उन सभी प्रिंसिपलों के ऊपर बहुत जल्द अब कार्यवाही का प्रकरण भी शुरू करवाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जितने लोगों ने गलतियां की हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी और अब कार्रवाई होना शुरू हो गया। लगभग आज 30 स्कूलों के नाम हमने दिए थे, 300 स्कूलों के पत्रों पर आयुक्त मैडम ने तत्काल कार्रवाई हेतु लिखा है। सिंगरौली DO का जो सीधी का DO का आपने देख ही लिया, सीधी DO की मैंने शिकायत की थी कि सीधी DO जो है लगातार कई प्रकार से पैसे लेकर के या अन्य प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और उन्होंने जो नॉन अनटेंड साथियों को बाहर करने का आदेश जारी कर दिया था उसको लेकर के मैंने आयुक्त से लेकर के हर जगह से उनकी शिकायत की थी। बाद में उन्होंने उस पत्र को बदला तो नहीं, लेकिन उन्होंने मैसेज के माध्यम से सभी प्रिंसिपलों को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आप लोग जो अप्रशिक्षित हैं उनको ज्वाइन करवा लें, और उन्होंने नियम नहीं बदला
लेकिन डीपीआई बल्लभ भवन ने उनको स्वयं बदल दिया। ये तीसरे डीओ हैं सीडीओ के, जिनको जिनकी शिकायतें लगातार मैं करता रहा हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के सभी जगह उनकी शिकायतें की थी, और अंततः उनको वहां से हटा करके जहां पे वो प्रिंसिपल थे उनको वापस वहीं पर भेज दिया गया है। आज जो हम लोगों की बैठक हुई थी 11 सितंबर को, उसमें मैंने ज्यादा तो आज बात नहीं की थी कि अभी वर्तमान में ज्यादा चीजें ना मिले, पर कम से कम जो परीक्षाएं हो रही हैं उस परीक्षा में बोनस अंक गुरु जी की तरह जो तर्ज पर जो हमने पात्रता परीक्षा की बात की थी या विभागीय परीक्षा की बात की थी, उस परीक्षा की बात तो आगे होगी और उसमें भी समय भी लग सकता है, लेकिन वर्तमान में सिंपल सी चीज थी कि जो आरक्षण और बोनस अंक की बात हुई थी उन मुद्दों को लेकर के मैंने आयुक्त मैडम को भी और जो प्रमुख सचिव सर हैं गोयल सर, उनको भी मैंने दिया कि इस पे कम से कम विचार कर लिया जाए तो बहुत सारे लोगों को फायदा इसमें मिल सकता है। खासतौर पे स्कोर कार्ड में 10 अंक जोड़ने की बात जो ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन प्रमुख सचिव द्वारा यह कहा जा रहा है कि डीपीआई की ओर से किसी प्रकार कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि आज आयुक्त मैडम ने साफ दो टोक बोल दिया कि महापंचायत के आदेश मेरे कार्यकाल में ना तो घोषणाएं हुई हैं और ना उसे मैं पूरी करने के लिए कुछ करूंगी। ये चीज वो पहले भी बोल चुकी है, आज भी बोल रही है कि जिसने महापंचायत करवाया था आप उसके पास जाइए। वर्तमान में वो आयुक्त नहीं थी जब महापंचायत की घोषणाएं हुई थी, का उनका कहना तो यही है कि जब मैंने जब आयुक्त जब महापंचायत की घोषणाएं हुई थी उस समय पे मैं आयुक्त नहीं थी, कोई और था, आप लोग उनसे मिलिए, लेकिन उनको ये कौन बताए कि हम आपसे बात करने नहीं आते, हम आपकी कुर्सी से बात करने आ रहे हैं। जो कुर्सी में बैठा रहेगा हम अपनी समस्याएं उन्हीं के पास लेकर आएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आप हो या अन्य लोग हो। जो आप लोगों ने स्कोर कार्ड में खेल किया है, जो अपने लोगों को घुसेड़ने के लिए, मैं मुझे ये पता है कि डीपीआई में आप जो लोग जाते हो वो भी देखते हैं कि डेली दो चार अधिकारी जो बैठे रहते हैं वो अधिकारी आ करके अपने लोगों को घुसेड़ने की बात पीके सिंह से करते रहते हैं। मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि मेरे व्यक्ति है, ये मेरा आदमी है, इसको कैसे स्कूल मिल जाए। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ऑनलाइन भर्ती नहीं होती तो इस साल लोकल स्तरों पर बिल्कुल लाठियां चल जाती, नेता लोकल नेता से लेकर के सीएससी बीएससी जिला शिक्षा अधिकारी प्रचार सब अपने रिश्तेदारों को घुसेड़ने का प्रयास करते। और छुट्टी को लेकर के कई मीडिया वालों ने, कई बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने अपनी बात उठाई थी कि हर शिक्षकों को भी प्रसूति अवकाश अन्य अवकाश दिए जाने चाहिए, और कोई बीमार हो गया, किसी घर में कोई समस्या आ गई तो वो कैसे कार्य करेगा। लेकिन आयुक्त मैडम ने साफ बोल दिया कि अभी हम छुट्टी के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि प्रस्ताव पीके सिंह के द्वारा जो नोट शीट थी वो आयुक्त की ओर भेज दी गई है, और इसके बावजूद भी अभी तक आयुक्त मैडम का कहना यही है कि इस सत्र में मैं कोई भी बदलाव नहीं करूंगी, अगले सत्र में फिर देखा जाएगा क्या होता है। उम्मीद ये भी चल रही है कि आयुक्त मैडम भी बहुत इनकी मेहमान नहीं है, कि मैंने उनकी भी शिकायत जो अपने चीफ सेक्रेटरी सर हैं उनके पास लगा के रखी है, कि मैंने कहूँगा उनकी कदसों शिकायतें, जैसे कि बहुत सारे साथियों को हमारे बाहर कर दिया गया, समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और मेरिट सूची जारी कर दी गई, बहुत प्रकार की समस्याएं जो थी उसको बिना पूरा किए आयुक्त लोक शिक्षण संचालय ने जो जिस प्रकार से हमारे लोगों को बाहर किया और मनमाने तरीके से आदेश जारी करते गए, मेरिट सूची मनमाने तरीके से जारी कर दी गई, कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ, 15 वर्ष वाले को 20 अंक, नए फ्रेश कैंडिडेट को 30 अंक, ये कहाँ का न्याय। इन सब शिकायतों को लेकर के और साथ में अतिथि शिक्षकों की भर्ती से होने वाले छात्रों का नुकसान सबसे बड़ा, कि दिसंबर बीत गया है अभी भी 30% कोर्स पूरा नहीं हो पाया है, अभी छमाही परीक्षाएं और फिर प्री बोर्ड परीक्षाएं, इस बीच में ही बच्चों को पूरी तैयारी कराना है, अगर हमारी नियुक्ति नवंबर में होगी तो हम कैसे करवाएंगे। इन सभी प्रकार की शिकायतें हमने आयुक्त लोक शिक्षण की मैं पहले भी कर चुका हूं और अभी भी मैं लगातार करें, जब भी मैं डीपीआई जाता हूं तो मैं जरूर कर रहा हूं। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों से कि आज मैंने उनसे यही बोला कि आप हमारे साथी बहुत सारे अनुभवी अभी साथी हमारे बाहर हो गए हैं, उनकी जो शब्द थे यही थे कि अगले वर्ष से हम पूरी नई नियुक्ति करेंगे, तो फिर क्या करोगे, हम तो खुद ही हम चाहते ही हैं कि जो पुराने लोग हैं वो बाहर हों, हम नए लोगों को मौका दें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयुक्त के वर्ड है, पहली बार नहीं है, उसके पहले भी उनका वर्ड यही थे कि हमारे तो बस चले तो हम नए लोगों की भर्ती कर दें, और हाई कोर्ट से मजबूर है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने इस साल खत्म कर दिया, और वैसे भी हाई कोर्ट हमारी बात सुनता नहीं है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि पूर्व में जो पैनल बना हुआ है उस पैनल से ही लोगों को नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट जो पैनल बने हुए थे उन पैनलों को भी डीपीआई ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, आप लोग देख ही रहे हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो क्योंकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि जब जो पैनल बने हुए हैं स्कूलों में उन्हीं पैनलों से ही आगामी नियुक्तियां की जाए, लेकिन डीपीआई ने मनमाने तरीके से नियुक्ति कर दी और उसमें पूरी तरह से लोगों को बाहर करने का उन्होंने फैसला कर लिया। अगले वर्ष में वो कह रहे हैं कि पूरी फ्रेश नियुक्ति करेंगे, और सोच लीजिए कि अनुभव के 10 अंक नहीं मिले तो अगले वर्ष तो अनट्रेंड वाले तो बिल्कुल भूल जाएं कि वो किसी प्रकार से दोबारा स्कूल में लग पाएंगे।